ये मेरी ताई की थाली। बाड़ा, शादी के बाद तुम्हारा और पत्र लिखा का ये पहला पड़वा है। वो और सब याद रखना, आरती के बाद आपको अपने अपने पतियों से गिफ्ट तोहफे उपहार लेने हैं। और सम्राट मोहित पुलकित जी, आपको भी बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देने पड़ेंगे। हाँ, बेचारी सही, उसकी तो किस्मत लग नसीब ही खराब है। अब देखिए ना, विराट पाड़वा के पहले ही चला गया, उसको तो कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। सही, जो तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सुनाली काकू, विराट सर मुझे पहले से गिफ्ट देकर गए हैं, तो आप मेरे लिए बुरा मत फील करिए। क्या बात है सही, मतलब तुझे तो एडवांस गिफ्ट मिल गया। बस बातचीत है अपनी, बातचीत। देख रहे हो, सीखो विराट दादा से कुछ। विराट दादा अपने जाने से पहले सही भाभी के लिए गिफ्ट छोड़कर गए, और मेरे लिए गिफ्ट लाए भी हो या बस मैं ऐसे ही फालतू में मेहनत कर रही हूँ। अरे लाया हूँ बाबा। सच्ची? That is it. तो आज मुझे तुमसे गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे जो मेरी पत्नी से गिफ्ट चाहिए वो कब मिलेगा। चलो पत्र लेखा, करिश्मा, रस्म शुरू करो। हाँ देवी। करिश्मा थोड़ा आराम से करो यार, काकू ने बोला है प्यार से करना है। मुझे लगा ये रस्म में मजा आएगा, पर तुम तो सजा दे रही हो मुझे। अगर ऐसी करोगी ना ये फिसरुन जा। सॉरी सॉरी। ए जंगली मुर्गी, वहां कोने में खड़े क्या स्माइल कर रही है, तू भी ये सब देख और सीख। विराट के लौटने के बाद ये सब मैं तुझसे करवाऊंगी, समझ लो। लेकिन काकू ये तो वो तो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। याद है ना मैंने तुझसे और विराट से क्या मांगा है, उसके लिए पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। काकू अभी तक अपनी उस मांग को लेकर बैठी हुई है, मोदक आप जल्दी वापस आओ, फिर हम दोनों काकू को समझाने का कोई तरीका निकालेंगे। लेकिन अभी अभी आप सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना। अभी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सही सलामत मेरे पास लौट आए। और हाँ, ये करिश्मा से मत सीख, पत्र लिखा से सीख। देख कैसे कर रही है, अच्छे से। क्यों सम्राट? हो मामी, काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है। क्या हुआ, रुक क्यों गई?
गई क्या? सम्राट, तुम्हारा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ पत्रलेखा। ये दिल तुम्हारी वजह से इतनी जोर से धड़क रहा है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? टच। तुम्हारा एक टच ही काफी है मेरे दिल को जोर से धड़काने के लिए। मदर की याद आ रही है? आई, जब मोदक आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण के मोड में होते हैं ना, तो उन्हें मिस करने के लिए भी ना उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे तो वो मुझे बोल कर गए क्या कि मैं उन्हें मिस करूं। सही, वहां कोने में खड़े होकर मुस्कुरा क्या रही है? ये खाली कटोरिया उठा, अंदर जाके रख और आरती की थाल लेकर आ। जी काकू। काश आप यहाँ होते मोदक, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। तो मुझे मिस किया जा रहा है? ऑफ कोर्स मैं आपको मिस कर रही थी, ये हमारी पहली पढ़वा है। मेरा मतलब आप मेरे दोस्त हैं ना, तो हाँ, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे क्यों इससे प्रॉब्लम होने लगी? और वैसे ये ना सिर्फ एक रस्म है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, हमारे ना फिजियोथेरेपी क्लास में ये काफी नॉर्मल है, मैं क्यों शर्माने लगी? ये रिवाज पति और पत्नी के बीच होता है, उनके बीच प्यार बढ़ाने का रस्म है। कर दी ना आपने भी बाकी सबकी तरह बात। नहीं, डोंट कंपेयर। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो, सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम और मैं और तुम पति पत्नी बन जाते हैं, सिर्फ इस रस्म के लिए। ओके, गुड। ऑयल की खुशबू बड़ी अच्छी है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, वो जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था, परफ्यूम, कैसा लगा? बहुत अच्छा, वो मेरा पाड़वा का गिफ्ट था ना। क्यों, तुम मेरी पत्नी हो जो तुम मुझसे गिफ्ट मांग रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना। तो फिर आप जो ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं, वो एक दोस्त की तरह रखते हैं या पति की तरह? पूछना क्या चाह रही हो? क्या आप एक पति की तरह मुझसे प्यार करते हैं? तुम मेरी पत्नी हो सही, और मैं क्या बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? और मैं छोड़ो, मन नहीं है। क्या ऐसे कैसे मन नहीं, और आपके मन होने से क्या है? मेरा मन है ना सुनने का, बोलिए। जबरदस्ती है क्या? देखिए अभी तक तो मैंने जबरदस्ती की नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती कर जरूर सकती हूँ, चुपचाप बोलिए। ये
ये मुझे जरा सिखाओ ना, ये कैसे करते हैं, ये चुपचाप कैसे बोलते हैं, इतना टैलेंट तो मुझ में नहीं है। नहीं सुधरेंगे ना, नहीं बता आओ, अरे आओ। सादा तीस लग गया, दिखाइए। तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं कुछ लगा दूँ इस पे? सोच रही है